शिवसंग्राम के नेता विनायक मेटे इनका पुणे मुंबई हाईवे एक्सप्रेस पर कार दुर्घटना में निधन हुआ है, जिससे राज्य में शोक की लहर फैल गई है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इन्होंने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। शिव संग्राम के नेता विनायक मेटे का पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर बड़ी दुर्घटना होने से उनका निधन हो गया। अमूमन यह देखा जाता है कि पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर वाहन काफी तेज रफ्तार के साथ चलते हैं, जिससे आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। शिव संग्राम के नेता विनायक मेटे इनकी कार दुर्घटना में निधन हो जाने से राजनीतिक क्षेत्र में शोक संवेदना लोग दे रही हैं। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इन्होंने विनायक मेटे के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए अपनी यादों को ताजा करके शोक प्रकट किया। विनायक मेटे यांचं अपघाती निधन ही अतिशय दुर्दैवी घटना है। मला याचं दुःख आहे की त्यांच्या तरुण वयात अत्यंत तब्येत चांगली होती, माझे जवळचे मित्र होते, अनेक वेळा मला भेटलेले आहेत, दिल्लीला यायचे, विशेष रूपाने महाराष्ट्रामध्ये विकास कामामध्ये त्यांनी नेहमी भाग घेतलेला आहे आणि त्यामुळे त्यांच्याशी जे अतिशय जवळचे संबंध होते। त्यांचं अपघाती निधन हे महाराष्ट्राचंही नुकसान आहे आणि खरोखर आमच्या सगळ्यांचा एक मित्र आम्ही गमावलेला आहे। रोडमध्ये ॲक्सिडेंट्स होतात, अपघात होतात, लोक मृत्युमुखी पडतात, पण सगळ्यांनी आता संवेदनशील नागरिक बनलं पाहिजे। या अपघाताचं नेमकं कारण काय माहिती नाही, पण आपल्याला भारताला अपघात मुक्त केलं पाहिजे आणि तीच खऱ्या अर्थाने विनायक मेटेंना श्रद्धांजली होईल। आपण सगळ्यांनी आपल्या जीवाची काळजी घ्यावी, नियमाचं पालन करावं आणि ॲक्सिडेंट होणार नाही याची काळजी घ्यावी। जी घडलेली घटना आहे ती दुर्भाग्यपूर्ण आहे। मी त्यांच्या आत्माला शांती मिळो ही ईश्वरच्याने प्रार्थना करतो। नमस्कार। मराठा समाज के लिए विनायक मेटे इन्होंने कई आंदोलन छेड़े थे। समय समय पर किसी भी सरकार के सामने उन्होंने अपने समाज के न्याय के लिए विनायक मेटे इन्होंने दो हाथ भी किए हैं। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़े के साथ संजय मेरे की रिपोर्ट।